नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यशोदा की रसोई ब्लॉग में। तो बने रहे वीडियो में, आज फिर आई हूँ नई रेसिपी के साथ। तो दोस्तों, इतने मैंने भिंडी ली थी 250 ग्राम। तो 250 ग्राम भिंडी लेके और मैंने इनको अच्छे से धो लिया, धो के काट ली। तो आप बड़े छोटे पीस आप कैसे भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने काट लिए, देखिए। तो ऐसे पीस काट लिए, तो इनको अब रख देती हूँ। तो इधर गैस चालू कर दिया, रख दी कढ़िया, उसी में डाल दिया तेल। तो दोस्तों, तेल मैंने डाल दिया। तो अभी तक काट ली हरी मिर्ची, तो हरी मिर्ची और लहसुन और आधी चम्मच जीरा तो मैंने इसी में डाल दिए। तो अब डाल देती हूँ मुझे अच्छे भूनने के लिए। तो इनको भून लेती हूँ पहले। तो दोस्तों, आज कुछ अलग से बनाने जा रही हूँ मैं। तो दो बार की झंझट दूँ, दो बार नहीं बनाना पड़ा है, दो बार कढ़ाई बदलना पड़ता है ऐसी चीज़ों में। लेकिन मैं एक ही बार बना के बताऊँगी आपको, आप देख लें। अब मिर्ची अच्छे से सिक जाने तक तो उसको थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, क्योंकि मिर्ची बहुत घास उड़ता है तो दूर तक खांसी फांसी बहुत ज़्यादा आ जाती है। थोड़ा स्लो करके पकाएंगे आराम से। तो दोस्तों, मिर्ची अच्छे से देखिए गोल्डन हो गई, भुन गई। तो अब डालूंगी एक मीडियम साइज की प्याज काटी थी जो, तो इसको भी अच्छे से भून लेती हूँ गोल्डन होने तक। इसको फेंक लूँगी। तो दोस्तों, प्याज हरी मिर्ची अच्छे से गोल्डन होने दी। मसाला डाल के थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी, घोल बना के डालूंगी। धनिया मिर्ची हल्दी नमक एक साथ में। तो ये देखिए, तो मैं इनको अच्छे से डाल दे रही हूँ घोल बना के। तो ये मैंने घोल बना लिया, अब इसी में ये रख देंगे, ढाक देंगे थोड़ा। अच्छे से पक गया, तब इसी में डालूंगी भिंडी। ये देखिए, मैंने भिंडी डाल दी काट ली। अब इसको अच्छे से मसाले में भून लूंगी, 1 से 2 मिनट तक सेकना है बहुत अच्छे से। धीमी धीमी आँच में कम गैस कर दूंगी, कम गैस पर इसको मिक्स करते हुए सेकना है। तो दोस्तों, भिंडी अच्छे से भून गई है मसाले में, ये देखिए इस तरीके से बहुत बढ़िया से। अब डालेंगे इसी में दही। तो दही हमने पहले अच्छे से फेंट लिया, बिल्कुल गुठली नहीं है, अच्छे से बारीक कर लिया वो। तो इस तरीके से हमें दही डाल दिया। तो दोस्तों, दही डालने के बाद कंटिन्यू चलाना है और धीमी आंच पे करना है। ये देखिए, तो इसको थोड़ी सी देर चलाते रहना है, कंटिन्यू इसको चलाना थोड़ी सी देर। और बिल्कुल कम गैस करना है, ज़्यादा नहीं, तेज पे नहीं। इस तरीके से इसको मिक्स करना है। तो इस अच्छे से चला दिया, तो अब इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। ये देखिए, तो इस तरीके से ये भिंडी बनके तैयार है। दो बार की झंझट दूर है। ये देखिए, बहुत बढ़िया सी बनी, बहुत अच्छी। इस तरीके से ऐसी बन गई है। तो चलो इसको हटाते हैं इधर। तो दोस्तों, इतने मैंने रोटी बना ली, ये देखिए। तो बनाई थी भिंडी, तो चलो इनको ले लेते हैं, थाली लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ऐसी बनी है कुछ ये भिंडी। तो भिंडी इस तरीके से आप जरूर बनाएं। तो दोस्तों, मैंने बना के तैयार कर ली भिंडी रोटी। तो आप देख सकते हो, तो मैंने इस तरीके से बनाई, आप भी जरूर बनाएं और खाएं। तो भिंडी मतलब दो बार के झंझट दूर रहती है, कि तलते हैं पहले, तल के निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर निकाल के फिर मसाला भूंज के फिर दही डालते हैं, तो जो झंझट दूर। तो एक ही बार में सब बन जाएगा एक ही साथ में, तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आप जरूर बना के देखें, इतनी टेस्टी भिंडी बनी, दो बार की झंझट दूर है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।